मशीन लगवा करके उसके घर को मलबे में तब्दील करा दिया है। यहाँ तक कि जो इसके यहाँ दो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उसको पूरी तरीके से जेसीबी मशीनों से तोड़वा दिया गया है। ट्रैक्टर हैं उनको भी तोड़वा दिया गया है। साफ तौर पे एक सख्त पूरी तरीके से मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरीके से अगर पुलिस के साथ कोई भी इस तरीके का अगर घटना होगी तो इस तरीके के अंजाम भुगतने को तैयार रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज सुबह से ही यहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, उससे पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि कुछ बड़ी घटना होने वाली है और आज ऐसा हो गया। यहाँ पर जिस तरीके से पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया, लगभग पूरी तरीके से समतल कर दिया गया। हम घर की तरफ दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से घर जो है ध्वस्त हो चुका है। पूरी तरीके से दीवारें लटक रही हैं, शीशे जगह जगह बिखरे पड़े हुए हैं, लोहे के एंगल बिखरे हुए पड़े हुए हैं। इस तरीके से साफ तौर पे एक पुलिस ने एक सख्त मैसेज देने का प्रयास किया है। कानपुर से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक। कोशिश आज एक दुर्दांत अपराध के खात्मे की दिशा में एक अहम पड़ाव पर तरह है, लेकिन हालांकि लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तक कुछ बनाना बाकी है, क्योंकि एक जो विकास दुबे के पूरे साम्राज्य को तहस नहस किया जा रहा है। डीजल खत्म हो गया है, अब दोबारा थोड़ी देर के लिए जैसे भी रोक दी गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी जो पूरा पोर्शन है जिससे फायरिंग हुई थी उसमें अब रोक नहीं पाओगे। विकास दुबे के मकान को जमींदोज किए जाने के बाद प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। हम आपको बता दें कि विकास दुबे ने आज से 20 साल पहले अपने करियर की शुरुआत एक टीवी मैकेनिक के तौर पर की थी और आज वो 250 बीघे जमीन का मालिक है। इस बीच इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं कि जो सरकारी शराब के ठेके हैं उनकी आड़ में नकली शराब का काम हो, या मंधना और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनसे मासिक उगाही का मामला हो, जमीनों पे अवैध कब्जे का मामला हो, इन सारे तरीकों से
Thank you.